फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12X Android मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे फोन पे जब भी इनकमिंग कॉल आता है तो रिंगटोन की साउंड की आवाज तो आती है लेकिन इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना ये है, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार ना रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है, आपके फोन का ये जो फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस ऐप में आपको ना नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट करना है। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ये सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको अपने फोन की सिम सेलेक्ट करनी है। अगले पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे टैप करना है एक्सेस पॉइंट नेम पे। अब अगले पेज में आपको राइट साइड के टॉप पर ये डॉट का ऑप्शन टैप करना है। आपका ये पेज आता है छोटा सा, इसमें रीसेट एक्सेस पॉइंट का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे आपका ये पेज आएगा, इसमें रीसेट एक्सेस पॉइंट पे दोबारा टैप करना है। आपको नीचे लिखा हुआ आ जाता है डिफॉल्ट APN सेटिंग रिस्टोर। इस तरीके से आपको APN सेटिंग को एक बार रीसेट करना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम एक और ये भी करना है कि आपके फोन का जो सिम कार्ड होता है ना, सिम कार्ड को मोबाइल से बाहर निकाल के उसे सिम ट्रे पे दोबारा से अच्छे से लगा के फोन के अंदर डाल देना है। इससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका ये पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।